तारीख 17 अक्टूबर साल 2021, घटना स्थल दीनापुर पुलिया अमेठी। मरने वाले शख्स का नाम फौजी संतोष सिंह, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का एक ऐसा कत्ल जिसने सबको हैरान कर दिया। कत्ल था मुंशीगंज थाना इलाके के फौजी संतोष सिंह का। संतोष सिंह को ना तो गोली मारी गई और ना ही चाकू। तारीख थी 17 अक्टूबर, दिन ढलने को था, घड़ी में 5 बज चुके थे। इसी बीच खबर आई कि पश्चिम द्वारा निवासी फौजी संतोष सिंह सड़क पर खून से लथपथ पड़े हैं। उन्हें किसी तेज रफ्तार वाहन ने रौन दिया है। लोग इसे हादसा मानकर चल रहे थे, लेकिन कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अस्पताल में घायल संतोष सिंह ने बताया कि वो हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि जान से मारने के लिए उनके ऊपर पिकअप जीप चढ़ाई गई है। पुलिस भी संतोष के सनसनीखेज खुलासे से चौकन्ना हो गई और पुलिस ने शुरू कर दी पिकअप जीप की तलाश। फिर क्या था, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से खूनी पिकअप जीप को खोज निकाला। यही नहीं, फौजी संतोष सिंह की हत्या करने वालों को भी बेनकाब कर दिया। एसपी अमेठी ने खुलासा करते हुए बताया कि खूनी पिकअप के मास्टरमाइंड विजय प्रताप सिंह उर्फ गल्लन सिंह और उसका भाई विजय प्रताप सिंह है, जो कि मृतक फौजी संतोष सिंह के गांव के रहने वाले हैं। फौजी की हत्या प्रधानी की रंजिश में कराई गई। दबंग गल्लन सिंह और उनके भाई उदय प्रताप सिंह ने फौजी की हत्या के लिए नई पिकअप निकलवाई और ड्राइवर श्याम बिहारी शुक्ला को मर्डर की सुपारी दी थी। इसके लिए गल्लन सिंह ने 2 नए मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी खरीदे। किसी को शक न हो इसलिए उदय प्रताप सिंह दिन भर अपने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायर्ड फौजी की हत्या थाना मुंशीगंज क्षेत्र में की गई थी और ये पुलिस के लिए चैलेंज था। इसे देखते हुए हमने 4 टीमें लगाई थी और इस दरमियान पुलिस ने उस अज्ञात गाड़ी की खोज करने के लिए पिकअप की लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला, सैकड़ों फुटेज देखे गए और गाड़ी का पता लगाया। इसी क्रम में गाड़ी के साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और आपको बता दें, इस घटना की कैसे गहरी साजिश रची गई है जो फिल्मी स्टाइल में है। इस घटना को करने के लिए 2 नए मोबाइल खरीदे गए, 2 नए सिम खरीदे गए, जिससे कि घटना की जानकारी पुलिस को न होने पाए और हम पकड़े न जाए। इसके लिए एक श्याम बिहारी शुक्ला नामक एक आदमी को, ये जो गल्लन है विजय प्रताप सिंह जो मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने इसके नाम से गाड़ी खरीदवाई जिसका पैसा 1,50,000 उन्होंने खुद दिया और कहा कि अगर तुम एक्सीडेंट करके मार दोगे तो ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। इस लालच में इसने इस घटना को अंजाम दिया और ये दोनों बात करते रहे। इस घटना में इनके बड़े भाई उदय प्रताप सिंह जो प्रधानपति हैं, इनकी भी सहभागिता है। इन्होंने ये दिखाने के लिए कि मैं घटना के दिन घर पे ही था, लगातार सीसीटीवी फुटेज के अंदर बैठे रहे। इस प्रकार ये घटना पूरी तरह तैयारी से प्लानिंग करके की गई है, जिसमें पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और घटना का बिल्कुल सही और शीघ्र ही खुलासा कर दिया है। इसे देखते हुए पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सुना आपने कितनी गहरी साजिश रचकर फौजी का काम तमाम कराया गया। आपको बता दें कि गल्लन सिंह के भाई उदय प्रताप सिंह की पत्नी पश्चिम द्वारा की प्रधान हैं। दबंगई के बल पर साल 2015 में गल्लन सिंह पश्चिम द्वारा का निर्विरोध प्रधान बन गया था, लेकिन इस बार प्रधानी चुनाव में फौजी ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर उसे टक्कर दी थी। गल्लन सिंह की दबंगई की राह में फौजी चट्टान बनकर खड़ा हो रहा था, लिहाजा गल्लन सिंह ने उसका काम तमाम करवा दिया। मगर पुलिस ने अब गल्लन सिंह की साजिश को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने गल्लन सिंह और पिकअप ड्राइवर श्याम बिहारी शुक्ला को जेल भेजा है। वही फरार उदय प्रताप सिंह की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।